नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल स्टेशन से एक अजीब मामला सामने आया है। एक ट्रेन के गार्ड ने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की बात नहीं सुनी तो उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल बीते मंगलवार की रात केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की ट्रेन छूट गई थी। उन्होंने हाथ देकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की लेकिन गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से भड़की केंद्रीय मंत्री के स्टाफ ने गार्ड और आरपीएफ के खिलाफ स्टेशन पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का 29 अक्टूबर को नई दिल्ली जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस से रिजर्वेशन था। ट्रेन खुलने के कुछ सेकंड बाद साध्वी कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई लेकिन देर होने की वजह से वो इसमें सवार न हो सके। इस बीच साध्वी और उनके स्टाफ ने गार्ड और आरपीएफ सुरक्षा दस्ते के सिपाहियों को हाथ देकर ट्रेन को रोकने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और ट्रेन चली गई। इसके बाद उन्होंने सहायक मास्टर के कक्ष में रखी शिकायत पुस्तिका में ट्रेन के गार्ड और आरपीएफ सुरक्षा दस्ते के सिपाहियों के खिलाफ शिकायत लिखी। साध्वी ने बताया कि मेरे सामने ट्रेन छूटी थी लेकिन चलती ट्रेन में चढ़ना संभव नहीं था। वह केंद्रीय मंत्री ने कानपुर सेंट्रल सीटीएम से भी इसकी शिकायत की है लेकिन अभी तक इस मामले पर रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वैसे इस तरह के मामले की शिकायत करना अपने आप में अजीब बात है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।